तो खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी मिल गई है। साथ ही से 5 मार्च को लॉन्च कर दिया जाएगा, 15 मार्च से ही इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी गई है। योजना अनुमोदित होने के बाद 5 मार्च को इसे लॉन्च किया जाएगा और 15 मार्च से इसके आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना में किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की सभी बहनों को योजना का लाभ मिल सकेगा। बहनों की उम्र 23 साल से ज़्यादा होना चाहिए, वह इस योजना में पात्र होंगी और उनके खाते में 1,000 रुपये प्रतिमाह सरकार डालेगी। 60 साल से ऊपर की उम्र की वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है, लेकिन उसमें अभी 600 रुपए ही मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसमें यह राशि जोड़कर उन्हें न्यूनतम 1,000 रुपए दिया जाएगा। इसके बाद से 60 साल से ऊपर की बहनों को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मार्च के महीने में 5 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। हर पंचायत में, हर वार्ड में बहनों के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधे तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर के वार्ड में शिविर लगाएंगे। ये सब बैठे भैया लगाओगे ना शिविर, सब शिविर लगाएंगे। वहां जाएंगे अधिकारी कर्मचारी आएंगे, कहीं कलेक्टर कमिश्नर, हर वार्ड में लगना और एक साथ नहीं, धीरे धीरे लगना, नहीं तो भीड़ ज्यादा हो जाती। 4 वार्ड में, फिर 4 वार्ड में, पंचायतों में, और फिर अब तुम्हें फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि सबका समझने का काम है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपके वार्ड में, आपके गांव में ये आवेदन भरे जाएंगे और सरल फॉर्म होगा, नाम, पति का नाम, और उसके बाद केवल स्वाद हो